फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है फीटो के बारे में। फीटो किसे कहते हैं? फीटो कहते हैं हमारी मशीन के दंदानों को, ठीक है। तो इसको अगर आपके लूज हो जाएं तो हमने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने किया था कमेंट्स कि अगर आपके फीटो जो हैं लूज हो जाएं तो हम उसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। करूंगी आपको प्रॉपर गाइड, तो वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेसरी बॉक्स हमने रिमूव कर लेना है। एक्सेसरी बॉक्स को रिमूव करने के बाद हमने जो फुट है अपनी मशीन का, ये हमने रिमूव कर लेना है। डिडल हमने रिमूव कर लेनी है और अपना जो कि शटल है यानी कि बॉबन केस, इसको भी हमने रिमूव कर लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। इसके बाद जो जो हमारी थ्रोट प्लेट होती है, ये जो प्लेट होती है हमारी, इसको हमने अब रिमूव करना है। ये हमने स्क्रू जो है हमने खोल लेने हैं स्क्रू ड्राइवर से। इनको खोलना बहुत आसान है। पहले हमने हाफ इधर से करना है और हमने हाफ इधर से करना है। और इससे पहले हम नीडल रिमूव करनी है ताकि ये हमारे हैंड को डैमेज ना कर सके, फिंगर्स को। ऐसे करके हमें इसको कर लेना है रिमूव। हाफ खुल गए, हाफ जो अपने हाथ से ऐसे करेंगे ये खुलते जाएंगे, है ना मजे का। ये ऐसे क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये स्पेस थोड़ी सी कम होती है ना, तो ऐसे करके हमने इनको करना है साइड पे। यस, और अब ये भी देख लें कि मशीन की अगर हमारी जो रिमूव होते हैं या हमारी मशीन जो है वर्किंग अच्छी नहीं कर रही या बैकवर्ड जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारा डस्ट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि हमारे दंदाने बहुत मुश्किल से आगे पीछे हो रहे होते हैं। अब मैं आपको चेक करा देती हूँ इधर से, अपनी भी डस्ट छुपाऊँगी नहीं मैं, जो है सो वो है। तो ये सिचुएशन जो है ना, अब यार बताते कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं तो हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसकी सिचुएशन को करती हूँ ज़रा क्लियर, ये ज़रा साफ़ हो जाए। इसको मैं साफ़ करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि अपने कहाँ कहाँ से जो वो टाइट कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं पहले साफ़। इस तरह की भी हो जाती है सिचुएशन अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं तो, आप इसको मैं इसलिए कहती हूँ बार बार कि आप रेगुलरली अपनी मशीन को क्या करें साफ़। जब साफ़ करती रहेंगी ना वर्किंग इसकी अच्छी रहती है। ऐसे, और इसको मैंने ऐसे करके साफ कर देना है। थोड़ा सा फूंक मार के, थोड़ा सा ऐसे, अब थोड़ी सी साफ हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। बेसिकली ये जगह आपने ऐसे साफ करनी है, ठीक है। वर्किंग सही ना होने की वजह से यहाँ पे इस तरह से जो डस्ट होता है ना, ये हमारा जब इकट्ठा हो जाता है तो इसकी वजह से भी हमारा काम ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया है साफ, इसके अराउंड हम साफ नहीं कर सकते, तो हमने ऐसे ऐसे करके बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा आपने फोर्स नहीं करना, ऐसे करके ये हो गया हमारा साफ। अब आ रही आती है हमारे स्क्रू की, ये हमारे लूज हो गए तो ये खच खिच की आपको आवाज आएगी क्योंकि मेरी मशीन के जो के हैं ये अच्छे खासे टाइट हैं। अगर आपके लूज हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इस तरह का आपके पास स्क्रू ड्राइवर है ना, इसकी ये वाली साइड, अगर आपके पास ये नहीं है तो डोंट वरी, आप इस तरह का जो कि होता है आप ये भी यूज कर सकते हैं इजीली। तो आपने इससे ऐसे रखना है, अगर आपका हो गया है लूज, ये हो गया फिक्स, ऐसे करके आपने इसको ऐसे क्लॉकवाइज आपने इसको करना है मूव। ये भी नहीं हो रहा तो आपने ये साइड करेंगे, फिक्स हो गया, इसको ऐसे आप टाइट कर देंगे इस साइड से भी और ये साइड भी। आप इसको इस साइड से आप जब टाइट करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो के फीटो होंगे जो लूज हो गए हैं वो आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और सेट हो जाएंगे और आपकी वर्किंग जो होगी वो अच्छी होगी। रेगुलरली क्लीन करते रहें। अगर आपने इसको चेक करेंगे ऐसे, जिस जिसकी भी है ना मशीन वो इसको चेक करेगी इस तरह से करके, अगर आपको लग रहा है कि लूज है तो आप स्क्रू ड्राइवर लें और आप इसको टाइट कर दें जिस चीज के भी लूज लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दंदाने यानी कि फीट डॉग
दंदाने अगर आपके लूज हैं तो आपकी मशीन की वर्किंग, चाहे आप टेंशन रेगुलेटर एडजस्ट कर लें, नीडल एडजस्ट कर लें, फुट जितना एडजस्ट कर लें, आपकी वर्किंग सही नहीं आएगी, तो फिर डॉग का सही होना भी जरूरी है। तो जिन जिनकी मशीनें बहुत पहले की पुरानी हैं, तो सबसे पहले इनको ऐसे हाथ से चेक करेंगे, किस तरह से चेक करें। अगर आपके ये नट जो है वो लूज हो चुके हैं तो आप इसको टाइट कर लें, ताकि आपकी मशीन जो है वो वर्किंग बिल्कुल ठीक करे। हमने इसको क्लियर भी कर ली है, इसको हमने ये भी कर ली है। इसके बाद हमने अपनी प्लेट को कर लेना है साफ, इसको फिर हमने करना है ऐसे एडजस्ट, और इसके बाद फिर हमने इसको कर देना है फिर से बंद। अच्छा, इसको बंद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि बात लोग वीडियो कम्प्लीट नहीं देखते। तो आपने इसको पहले है आराम से ऐसे कर लेना है दोनों को, ये नहीं कि पहले एक को आपने बंद करने फिर आपने दूसरे को बंद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने दोनों को एक साथ ही टाइट करना है। आपने हाफ इसको किया, ये हो गया एडजस्ट सही से, आपने हाफ इसमें स्क्रू साइज चेंज हो गई है, ये भी होता है। आपने हाफ इसको किया, फिर आपने हाफ इसको किया, ये नहीं है कि आपने एक को टाइट कर लिया फिर आपने दूसरे को करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हाफ आपने इसको किया, फिर आपने हाफ इसको किया, ये ऐसे, फिर आपने इसको इतना कर लिया, ये देखिए टाइट हो गए। अब मैंने स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर देना है इस तरह से, ये ऐसे, और इसको भी हमने कर दिया है टाइट। ये हमारे हो चुके हैं अब टाइट। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपके फीडबैक जो है वो लूज हो गए या वर्किंग सही नहीं है तो आप चेक करें और इसको ठीक करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बाकी को भी कीजिएगा शेयर। मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।